Integer is a combination of positive natural number, 0, and negative natural numbers. Integers एक number है, किस type के number है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक, ठीक है? अगर उसके साथ जीरो मिला ले तो ये नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. ओके, सो इंटीजर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर. जनरली नंबर लाइन पर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. सो इस टाइप के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स. इंटीजर्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और जीरो के साथ होते हैं. जीरो इज नॉट अ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? जीरो अपने आप में अपना खुद का एक आइडेंटिफाई रखता है. जीरो ना तो नेगेटिव वाले में आएगा ना ही पॉजिटिव वाले में आएगा. सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इंटीजर्स के बारे में. उसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स. यस्टरडे वी स्टडी अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर. टुडे इज डिविजन ऑफ इंटीजर. आज का जो टॉपिक है वो है डिविजन ऑफ इंटीजर्स का. सिंपली कोई भी दो नंबर का अगर आप डिवाइड करो, 12 डिवाइड बाय 6, मान लीजिए ए और बी कोई दो नंबर है, टू इंटीजर है. अज्यूम दैट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, कोई दो नंबर है. वो दो नंबर या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर जीरो भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, एनी नंबर. सो ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, तो उनका डिवाइड, ए डिवाइडेड बाय बी इज ऑल्सो अ इंटीजर. इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हो और उसका जो भी आंसर आपको मिलता है या जो भी वैल्यू आपको मिलती है वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा. कैसे? मान लीजिए ए आपके पास 12 है, बी आपके पास 6 है. ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 6 है. सो 12 डिवाइडेड बाई, मैंने क्या बोला था, ए डिवाइडेड बाई बी. ए है आपका 12, बी आपका है 6, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2. सो 2 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव नंबर है, ठीक है. 12 भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है. उन दोनों का डिवाइड किया, 2 आया, वो भी एक इंटीजर है, लेकिन कैसा है? पॉजिटिव. अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लूं, अगर मैं दोनों इंटीजर नेगेटिव ले लू, जैसे कि ये ए की वैल्यू -8, बी की वैल्यू -2, ठीक है. सो ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, जब भी आप डिवाइड करते हो, जब भी आप दो नेगेटिव नंबर का डिवाइड करते हो तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है. सेम इज मल्टीप्लीकेशन में. कल भी हमने पढ़ा था कि जब भी दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो भी इसका आंसर आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा. द सेम थिंग इज हियर. अगर मैं दो नेगेटिव नंबर का डिवाइड करूँ तो उसका जो भी आंसर आएगा या इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एक पॉजिटिव नंबर आएगी, ठीक है. सो 8 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 4. 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव नंबर. सो सिंपल, पहली कंडीशन में ले लिया 8 डिवाइडेड बाय बी, दोनों नंबर क्या हो? पॉजिटिव हो. दूसरा केस, जब दोनों नंबर क्या हो? नेगेटिव हो. यहां तक क्लियर है? सेम ही यस. अगर यहां तक क्लियर है तो क्लियर, यस.
यस मैम। ओके गुड। सो यहाँ पे लिखो मेक फॉर एनी टू इंटीजर्स, ये लिखिए जो मैं बोल रही हूँ वो, फॉर एनी टू इंटीजर्स, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक कंडीशन आपको डिविजन में ध्यान रखनी है कि b आपका क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो नीचे आएगा जो डिनोमिनेटर में आएगा वो जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। किसी भी वैल्यू को, एनी नंबर को आप अगर जीरो से डिवाइड करते हो, एनी नंबर, वो नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिफाइन कर, जीरो से डिवाइड करते हो, तो उसकी जो भी वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आती है, मतलब कि वी कांट डिफाइन, हम उस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। इन मैथमेटिक्स रिमेंबर है, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो उसकी जो भी वैल्यू आती है वो इंफिनिटी आती है, मतलब कि उनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए, अंडरस्टैंड करने के लिए बोला जाए, तो वी कांट डिफाइन, हम नहीं कह सकते कि ये उसकी फिक्स वैल्यू। सो कभी भी बी आपका है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन दैट केस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू इज एन इंटीजर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये माइनस बाहर ले लो, ये माइनस ए भी हो सकता है माइनस बी भी हो सकता है, दैट मीन्स कोई भी एक वैल्यू ए या बी की माइनस की हो सकती है, यानी जैसे माइनस ट्वेल्व और फोर हो गया, एट और माइनस टू हो गया, सिक्स और माइनस थ्री हो गया, ठीक है। सो इन दैट केस कोई भी एक इंटीजर अगर नेगेटिव हो सो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक इंटीजर होगी। दो केस हमने देख ही लिए थे, पॉजिटिव वाले, दोनों नेगेटिव वाले, और तीसरा केस ये हो गया, ठीक है। थर्ड केस क्या था कि कोई भी एक इंटीजर अगर नेगेटिव हो, सेम एज मल्टीप्लीकेशन, हमने कल पढ़ा था कि अगर एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो और उसका मल्टीप्लाई अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर से करते हैं तो उसका जो भी आंसर मिलता है वो एक नेगेटिव नंबर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जब दो नंबर नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब कोई भी एक नंबर नेगेटिव हुआ, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपका जो भी आंसर आता है, आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो एक नेगेटिव नंबर होगी। रिमेंबर दैट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। ओके सो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इफ फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो माइनस ए अपॉन बी इज एन इंटीजर, क्योंकि हम डिविजन पढ़ रहे हैं। Is that clear? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 80 divided by minus 5 क्या आएगा बताओ जल्दी से। इन दोनों का आंसर बताओ मुझे। 80 को डिवाइड करना है माइनस 5 से, माइनस 60 को डिवाइड करना है 20 से, गिव मी आंसर। सो सिंपल, डिवीजन तो आपने पढ़ा ही है। फातिमा, श्रेया, व्हाट इज योर आंसर? माइनस 13।
माइनस सेकंड का 15. व्हाट योर आंसर? माइनस 13. आर यू श्योर? माइनस 3. प्रीत आंसर इज माइनस 3. फातिमा योर? माइनस 30. एंड श्रेया योर? 13 को बोल रहा है. प्रीत योर आंसर इज माइनस 3 इज करेक्ट. श्रेया योर आंसर इज माइनस 3 इज करेक्ट. बट फातिमा व्हाई देयर इज माइनस 13? अगर आप 60 को 20 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 20 into 3 60. सो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन. यहीं पे मिस्टेक करोगे तो आगे कैसे करोगे? सो द आंसर इज -60 / 20. सो आंसर इज -3. गेट इट? वेरी सिंपल. गेट इट? Say me yes if you are agree. Yes ma'am. Good. Yes ma'am. अब कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी वो लिख लीजिए. वेरी सिंपल है. फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर. टॉपिक इज क्या बोल रहे हो श्रेया? स्लो बनाओ ऐसा. ओके, आपने अभी ब्लैकबोर्ड पे जो लिखा है वो पीच अभी जो मैंने रख किया है वो नहीं उतारा कॉपी में? नहीं, वो उतार लिया है. ओके ठीक है. पहली प्रॉपर्टी है फॉर एनी इंटीजर ए ए डिवाइडेड बाय जीरो. ठीक है, मैं क्या लिख रही हूँ? ए डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. मैंने अभी बताया था आपको. किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर उसकी जो भी वैल्यू मिलती है या फिर हम कहते हैं इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड. मान लीजिए 35 को मैं जीरो से डिवाइड करूं इज मीनिंगलेस. आप लिख सकते हैं इज मीनिंगलेस. हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास. एनी नंबर 1145 is divided by zero is meaningless. ठीक है, सीधी सी बात ध्यान रखनी है. कभी भी किसी नंबर को, चाहे वो इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, आगे क्लास में आप पढ़ोगे रैशनल नंबर्स इन क्लास अभी इसी क्लास में आपका 7th क्लास में आगे जाके रैशनल नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, डेसिमल आएंगे. सो किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है? एक मीनिंगलेस होता है. मतलब कि वो जो वैल्यू है वो डिफाइनेबल नहीं है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. राइट डाउन. Yes, ma'am. Second property is
फॉर एनी इंटीजर ए अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? एनीवन कैन प्लीज टेल मी, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? मैम जो ए की वैल्यू वही है। वेरी गुड श्रेया, नंबर इटसेल्फ। गुड फातिमा, द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इटसेल्फ, ए डिवाइडेड बाय 1 इज गिव्स टू ए, मतलब कि सेम नंबर मिलता है, या फिर कह सकते हैं सेम इंटीजर मिलता है। वेरी सिंपल है, अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वो नंबर हमें वापस मिलता है, जस्ट लाइक 13 डिवाइडेड बाय 1 इज गिव टू 13, 146 डिवाइडेड बाय 1 इज गिव टू 146। डिवीजन की प्रॉपर्टी बहुत इजी और सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वो जो प्रॉपर्टी थी वो थोड़ी याद रखने वाली थी, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सेम नंबर को डिवाइड करूं, अगर मैं सेम नंबर को डिवाइड करूं ए को ए से, मतलब कि ए की वैल्यू भी 25 और बी इज इक्वल टू ए, मतलब कि सेम नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं तो हमें क्या मिलेगा? इफ ए डिवाइडेड बाय ए, व्हाट विल वी गेट? 1 1। गुड, 1 1, ठीक है? वेरी इजी, ये सब आपको पता है, मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है? डिवीजन में कोई अलग चीज नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं वही हम रिपीट कर रहे हैं। ए डिवाइडेड बाय ए इज गिव टू 1, जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय 12 इज गिव टू 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज गिव टू 1, दैट इज इज थर्ड प्रॉपर्टी। हो गया? यस, मैम डन, मैम डन, मैम डन। ओके फातिमा एंड प्री शेयर, यू आर न्यू ईयर सो आपको नहीं पता कल हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो दिन से हम जो पढ़ रहे हो, बट प्रीत एंड फातिमा जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, फर्स्ट थी क्लोजर, सेकेंड थी कम्यूटेटिव, थर्ड थी एसोसिएटिव, फोर्थ इज इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ एडिटिव आइडेंटिटी, सेम इन केस ऑफ एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये कल पढ़ा था। और सिक्स थी एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लीकेशन के केस में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है? ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है दो दिन में वो डिवीजन वाले डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? रिमेंबर दैट दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर एग्जिस्ट इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, नॉट इन केस ऑफ डिवीजन, ठीक है? सो डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है, जो हमने अभी पढ़ी है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रही हूँ, हम उसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन है -36 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -3, इसको सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चन इज दैट -36, मैंने कल भी बोला था, अगेन आई रिपीट, यूज ब्रैकेट प्रॉपरली. अगर आप ब्रैकेट को प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे देन देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, क्योंकि माइनस और प्लस का मैक्सिमम मिस्टेक होता है. ठीक है, तो जब भी माइनस की वैल्यू, माइनस का कोई इंटीजर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ब्रैकेट यूज करना ही करना है. सो -36 इज डिवाइडेड बाय 12. सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले -36 ओके, -36 डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड है -3. -36 को 12 से डिवाइड किया, -3 डिवाइडेड बाय -3. ठीक है, सबसे पहले इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आई -3, आउटसाइड है डिवाइडेड बाय -3. सो -3 इज डिवाइडेड बाय -3 विच गिव्स 1 इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, 1 और -1 वाले जिनका भी आंसर -1 है वो कंफ्यूज क्यों है? मैंने अभी बोला था जब भी दो नेगेटिव नंबर का डिवाइड करो या नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आपकी जो भी वैल्यू आती है वो एक पॉजिटिव नंबर हो. ठीक है, ये -3, ये -3 कैंसिल हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 3 विच गिव्स टू 1. क्लियर इट? एनी डाउट? ओके, अपनी क्लास 2:40 तक ही चलेगी बिकॉज जूम पे ओनली 40 मिनट्स ही अलाउड है. 2:33 ऑलरेडी हो चुके हैं. मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आपको, वो उसको सॉल्व करना अभी क्विकली. -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1, सॉल्व इट. -31 है डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर लिखा है -30 प्लस -1. -30 अब दिख रहा है, अब दिख रहा है? नो मैम. -31 डिवाइडेड बाय हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून कीर्ति. कीर्ति क्लास तो ओवर होने आ गई. कीर्ति बोल रहे हो ना? हेलो, मैम आपको मैं 10 मिनट बाद कॉल करती हूँ, एक्चुअली मैं किसी मीटिंग में हूँ. सॉरी फॉर इंटरप्शन. -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1, अब क्लियर दिख रहा है? एनीबडी कैन टेल मी? डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1, इसको सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे. -31 डिवाइडेड बाय
अब मुझे बताएंगे माइनस थर्टी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू वन बाय वन प्रीत टेल मी। मैम दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। अब नाउ अभी भी नहीं दिख रहा। अब यस मैम। ओके थोड़ा क्विकली कीजिए, टाइम आउट हो रहा है। माइनस थर्टी वन डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है माइनस थर्टी प्लस माइनस वन। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या आएगा। माइनस थर्टी को वॉट फार्टी वन। योर आंसर इज थर्टी वन। ओके प्रीत योर आंसर इज प्रीत व्हाट इज योर आंसर मैम माइनस वन। माइनस श्रेया व्हाट इज योर आंसर। माइनस थर्टी को ऐड करना है माइनस वन के साथ। माइनस थर्टी वन। प्रीत योर आंसर प्रीत आर यू देयर गिव मी योर आंसर। अच्छा मुझे ये बताइए एडिशन जब मैंने सिखाया था तभी मैंने बोला था चार प्रॉपर्टीज है उसकी, प्लस प्लस ऑलवेज गिवन प्लस। किसी भी दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो वैल्यू भी क्या आती है उसकी पॉजिटिव आती है। सेकेंड केस में जब भी कोई दो नेगेटिव नंबर को आप ऐड करते हो, जब भी आप कोई दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक नेगेटिव नंबर आएगी। इज दैट क्लियर। इसलिए यहाँ पर माइनस थर्टी वन आया है। माइनस थर्टी को माइनस वन के साथ ऐड करने पर क्या आएगा, उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक नेगेटिव नंबर आती है। माइनस का थर्टी वन। इज दैट क्लियर। प्रीत एंड फातिमा क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको तीन दिन से रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। इज दैट क्लियर। यस। ओके यस मैम। सो माइनस थर्टी वन डिवाइडेड बाय माइनस थर्टी माइनस अगेन माइनस वन। वन गुड। पहले बोला ब्रैकेट को पहले ओपन करो, पहले सोल्व करो, उसके बाद बाहर आओ। ठीक है पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, देन डिवाइड। पहले चेक करो ना साइन क्या है, साइन का भी मिस्टेक होगा। जब तक साइन का मिस्टेक होगा आंसर में एरर आएगा ही आएगा, इसीलिए बेसिक से स्टार्ट किया है यहाँ पर। ठीक है सो माइनस थर्टी वन डिवाइडेड बाय माइनस थर्टी वन विच गिव्स टू वन। इज दैट क्लियर। नाउ रेज योर हैंड, अभी तक जितना भी पढ़ाया वो क्लियर है। यस। ओके टर्न ऑन योर कैमरा। फातिमा प्रीत क्विकली टाइम आउट हो रहा है। ओके प्रीत फातिमा आपने पहले सब्ट्रैक्शन एडिशन पढ़ चुके हो, मल्टीप्लिकेशन कल पढ़ा था, आज डिवीजन पढ़ लिया। ठीक है अब कल हम इसके अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबके जितने हो पाएंगे एक घंटे में उतने सब करेंगे। ठीक है लेकिन अभी तक जो पढ़ाया है वो सारे डाउट डिवीजन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है सो फातिमा अभी भी आपके प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रही है, प्रीत यू ऑल्सो। ठीक है सो प्रैक्टिस ऑन इट। मैंने कल भी बोला था कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कीजिए, ए बी और सी की वैल्यू आप जो चाहे बोलो, पॉजिटिव लो।